अवैध खनन करने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। सचिव स्तर की बैठक में सरकार ने निजी भूमि पर भंडारण पट्टा और खनन पट्टा देने पर रोक लगा दी है। अवैध खनन पर कंपाउंडिंग की व्यवस्था खत्म करने पर सीधे वाहन जब्त करने का मुकदमा होगा। अवैध खनन रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। अवैध खनन पर त्रिवेंद्र सरकार सख्त। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में होगा टास्क फोर्स का गठन। खनन के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर अलग फोर्स। एक ही रंग के वाहनों से ले जाई जाएगी खनन सामग्री। अवैध खनन में कंपाउंडिंग की व्यवस्था खत्म। खनन पट्टों की जीआईएस मैपिंग कराई जाएगी। खनन पट्टों का सर्वे ड्रोन के जरिए कराया जाएगा। वन क्षेत्र में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो उन्होंने जो आदेश किया है उसे क्रम में खनन को खोला गया है, क्योंकि खनन जो है हमारे प्रदेश में एकमात्र रेवेन्यू का सोर्स ही नहीं है, इससे काफ़ी लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है और जो हमारे जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसमें ये खनन के जो मटेरियल है उसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात जो आपने कही है कि अवैध खनन को लेकर के, अवैध खनन कुछ पॉकेट से शिकायतें जरूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदेश में सभी जगह अवैध खनन हो रहा है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं। जाहिर है कि अवैध खनन माफिया की राह आसान नहीं होने वाली है। सरकार की सख्ती से कम तो यही लग रहा है। योगेश सेमवाल, APN, देहरादून।